घाटकोपर होर्डिंग हादसे में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, बिलबोर्ड मालिक भावेश पिंडे को किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी। आज पहली बार एक साथ मंच पर नजर आएंगे पीएम मोदी और राज ठाकरे, शिवाजी पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई मेट्रो से 20 मई के बीच बंद रहेगी शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेंगी शराबें। महाविकास अघाड़ी 48 में से 48 सीटों पर जीत करेगी हासिल, उद्धव ठाकरे ने पहली बार बताया नंबर। 17 मई से सेंट्रल रेलवे पर 15 दिन का ब्लॉक, सिर्फ दादर तक आएंगी ट्रेनें। मुंबई वालों के लिए गुड न्यूज, नवंबर में शुरू हो जाएगा रे रोड का केबल ब्रिज, 77% काम हुआ पूरा। मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर आए 8 लोग, कैफे मालिक से वसूल लेगा 25 लाख, एक कांस्टेबल भी आरोपियों में शामिल। सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, बाराबंकी में बोले पीएम मोदी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी जितनी जनसभा करेंगे बीजेपी की उतनी सीटें कम होंगी, पीएम मोदी की रैली पर बोले संजय राउत। 4 धाम मंदिरों में नहीं बना सकेंगे वीडियो रील्स, 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक, उत्तराखंड सरकार का अहम फैसला। बीएमसी ने शहर के ईस्ट वेस्ट और पी साउथ वार्ड में 22-23 मई को 16 घंटे पानी की कटौती की घोषणा। जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, बोले पीएम मोदी। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए 99 बड़े होर्ड्स को तुरंत हटाया जाए, बीएमसी ने रेलवे को दिया आदेश। पुणे एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था एयर इंडिया का विमान, रनवे पर हो गया टक्कर, 180 यात्री थे सवार। नागपुर में फ्लाईओवर से कूदी महिला, अस्पताल में भर्ती, परिवार को 5 घंटे बाद पता चला। कोटा में 3 साल की मासूम को कार में छोड़कर शादी में चले गए माता पिता, दम घुटने से दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र में भोज में खाना खाने के बाद 90 लोगों की बिगड़ी तबीयत, सभी अस्पताल में भर्ती। शख्स ने नहीं खिलाई खैनी तो बाप बेटे ने मिलकर उतारा मौत के घाट। मुंबई में आज सोने और चांदी के दामों में छाल, सोना 67,600 रुपए तोला तो वही चांदी 89,100 रुपए किलो। केंद्र कॉलेज ने अब डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए हिजाब पर लगाया प्रतिबंध, किया प्रदर्शन।